इस पुलिस मुकाबले में अमीर बलाज का कोई भाई भी सपोर्ट कर रहा था, क्या कहते हैं आप? नहीं, उन्होंने बेचारों ने क्या सपोर्ट करनी थी, वो तो बेचारे अपने भी गम से निढाल होंगे। ये तो जो है ना पुलिस से बिल्कुल जो है इसमें जो है ना पुलिस वालों ने बहादुरी की है। ये चीज़ जो है ना मैं उनसे बैठ के पूछूंगा जरूर कि आपने ये नेकी का काम कैसे आपके जहन में आया, जो भी किया उन्होंने। यार उस चीज़ को छोड़ दो, मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं आई हूँ या दारे जाने अदरिया जाने महकमे ऊपर जो इनके बैठे हैं वो जाने, मेरा इन चीज़ों से क्या सरोकार है। मैं तो क्रेडिट दूंगा, अब इसको आप शैतानी दाद कह लें, आप इसको जो है बेशक बुराई के प्रमोशन के लिए इसको उसको जो है ना उसकी दिल आजारी के लिए आप कह लें, या आप इसको कोई भी लफ्ज़ दे लें, लेकिन मैं कहूँगा एक ज़ाती सवाल पूछूँ, अहसन शाह से आपकी कोई ज़ाती रंजिश तो नहीं? आप जितना तलख बात करते हैं ना अहसन शाह, शायद कोई ज़ाती भी रंजिश हो, तलख हो आपकी? हाँ, मुझे एक बात बताएं, जब आप आते हैं कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं चोई साहब, आज बड़ी अच्छी बातें होंगी, फिर ये बीच में क्या तीर चला देते हैं। मेरी उस बेचारे से क्या होनी है, देखें वो 24 का या 26 का होगा ना, आई एम 54 जो है ना मेरी एज है, 54 साल मेरी उम्र है, मेरा उसका एज का ज़ाहिर है, मेरा जो है मेरे दोस्तों की कम्युनिटी और होगी। हाँ ये है कि इस बंदे ने जो है ना यार बहुत बड़ी ज़्यादती की है, ये एक नई तारीख रकम कर गया है कि दोस्त होकर, मैंने ये देखा है, देखें खालिद में हूँ, वो जो है शाहिद में हूँ, उसको अमर बट ने मारा है, उसके अलावा बड़े वाक़ियात है दोस्तों ने दोस्तों को मारा हुआ है, लेकिन वो होता था उनके अंदर कशीदगी होती थी, ये एक ऐसी दोस्ती थी कि वो उसकी दोस्त की जो पीठ में से छुरा घोंप दिया है और इसने अहसन शाह उसके पास बैठ के बलाज की, मैं तो जो बात करता हूँ मुझे कोई आए नीचे, कोई बंदा मुझे ये कह दे कि शाहिद चौधरी ने बात गलत की है, यार मेरी हजामत कर दे, मेरे तो चैलेंज होते हैं। मैंने ऑडियो सुनी थी जिस ऑडियो में बलाज कह रहा ना कि भाई मैं रॉकेट लॉन्चर तो ग्रेनेड मंगवा लिया, मैंने तीफी बाट का नस्ल इसकी ख़त्म कर देनी है, मेरे अलावा हालांकि तीफी बाट के मैं ख़िलाफ़ बोला हूँ, यार मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ बोला हूँ, मैं हक सच की बात करने वाला बंदा हूँ, लेकिन अगर मेरे नॉलेज में कोई बात है ना, उस बंदे ने डरते हुए जो है ना बलाज को मरवा दिया, सुलह ख़राब हो गई थी, ये इसने अहसन शाह ने रोल अदा किया है, इसने जाकर उनको कहा मैं माम बाड़ा, वही जो बातें मैंने आपको शुरू में की। अच्छा आप क्या कहते हैं अहसन शाह कत्ल होने के बाद असल मुजरम फिर बच जाएगा? असल मुजरम अहसन शाह तो नहीं था? नहीं, मेरी बात सुने, असल मुजरम आप किसको कहते हैं? यार जो बंदा बीच में इन्वॉल्व है वो अपने वो भी जो असल मुजरम है, वो अलग बात है कि जुर्म की कैफियत उस पर कुछ और जो है ना फाल करती है। अहसन शाह अगर उनको थड़ा ना देता तो ये तीफी बट की जो कंपनी थी, आप ये कहना चाहते हैं ना, तो वो वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। तो जिसने जो यार रबते रखे वो बंदा गुनाहगार नहीं है, मेन मुजरम ये भी था। और अच्छा मजे की एक और टिप दूंगा आपको, अगर ये सारा खानदान तारीख में कत्ल होता है ना, तो आप ये देखें कैसी बात है, इनके जितने भी मुखालफिन थे ना पुलिस मुकाबलों में मरे, ये कैसी बात आपको मैंने डिफरेंट बता दिया है। आप इनके देखें नीफा बाबा मनादर शाह भी के अलावा जितने भी हैं ना इशादा लम्मा फलाना डमकाना, तमाम के तमाम पुलिस मुकाबलों में मरा, देख रहे हैं अहसन शाह भी पुलिस मुकाबले में मर गए। ये कैसा तारीख का एक अलमी है, तारीख जब लिखेगी ना तो उनका इंसाफ जो है ना अदारों के हाथ में लिखा हुआ है, आप देख लें आपके सामने। अब इसके बाद क्या होगा, अब मेरा ख्याल जो है ना मैं ये पूछ लगे अब क्या होगा, अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी हर चीज? नहीं, प्रेडिक्शन करने लगा। हाँ वो पता है, तीफी बड़ जो है ना 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंटरिम बेल करवा देंगे। अच्छा जी, अब इसे शर्त लगानी है, शर्त लगा लें 2 हफ्ते ना हुए 3 हफ्ते लगा लें, इसी महीने के अंदर वो बंदा बेल लेगा, अब उसकी बनती है, क्योंकि शतरंज जो है ना एक ऐसी बाजी होती है, आप अपने प्यादे को मजबूत करके जाना अपनी चाल चलते हैं, तो अभी वो मजबूत हो गया, दूसरा मुद्दा भी खत्म। तो अमीर बलाज जो फैमिली अब वो चुप हो जाएगी, खामोश हो जाएगी? नहीं, वो सबर मिल जाएगा, आप क्या कहते हैं? वो तो कभी भी खामोश नहीं होंगे, लेकिन ये है कि आप देख लिया तीफी बट के हद तक प्रेडिक्शन कर दी है, पेशन को कर दी है, इसी महीने वो बेल करवाएंगे अगर वो समझदार हैं। अब इसको डिले करना या इसमें जो है ना मजीद देखना कि भाई वो क्या उसे कहते हैं कि हम इसमें चांस ले ले, वो नहीं बनता। हाँ। अभी ये है कि आप जो अफेक्टेड फिगर के मुताबिक जो भी है वो करें। अच्छा चौधरी साहब, अमीर बलाज कत्ल जब हुआ और सबसे तेज रिपोर्टें और सबसे पक्की खबरें आपकी थी, और नेक्स्ट आने वाला जो भी होगा इस हवाले से आप क्या कहते हैं, सबसे तेज रिपोर्टिंग आप करेंगे? यार मैं अपने महकमे पुलिस का जो है जो अच्छे पुलिस ऑफिसर काम करने वाले हैं उनके माथे का झूमर हूँ, जाहिर है कि आप मुझे खबर ला कर दिखाना, टिंड किसने बताया इसकी हुई है बताएं? आपने बताया था। किसने ये कहा था इसकी बीवी रक्कास है? आपने बताया। किसने कहा था इसका फैमिली बैकग्राउंड फ्रॉडियों पे मुश्तमिल है? आप इतनी बातें किस तरह कर सकते हैं पक्के ऑथेंटिक तरीके से, मुझे ये नहीं समझ। उसकी वजह ये है, कौन सा बाबा जी ने आपके पास? बाबा जी नहीं है, देखे बात सुने, मैं तंगलियों से होता हूं, पुलिस वाले मेरे से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। पुलिस वाले कहते हैं यार ये बंदा जो है ना तारीख रकम कर दिया, मुझे वो अंदर की खबरें दे देते हैं, वो कहते हैं यार चोई साहब ताड़ा तुसी कुर्बान है,
क्योंकि मेरी रिपोर्ट जो है ना ये टी सी वाली नहीं होती, मैं अच्छे अब मोहम्मद अली बैठो शकील बैठ सो कैसे मैं लेट डाउन कर दूँगा आप बताएं। ठीक है यार, उन्होंने अब ये नीचे कमेंट बॉक्स आप पढ़ना, लोगों ने पंजाब पुलिस में सलूट मारी है, कमाल करता है, कमाल का, और ये हुआ भी कमाल है, बिल्कुल कमाल हुआ है। तो ये चीज़ है, अब मेरी जान आप छोड़ देंगे अगले तो ये थे शाह चौधरी साहब, इंशाल्लाह ताला जैसे ही इस केस में कोई भी नई बात सामने आएगी तो हम शाह चौधरी साहब के पास हैं, ये हमारे साथ हैं, हम आपके सामने लेके आएंगे। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिए, अल्लाह हाफिज़।